2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा यूपी से उम्मीद थी। 62 वाली बीजेपी 33 पर सिमट गई। राम मंदिर का हिंदू फैक्टर भी चमत्कार नहीं कर पाया। योगी मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी की पॉपुलैरिटी काम नहीं आई? यूपी में बीजेपी की सत्ता का सूखा 2017 में खत्म हुआ था, तब योगी कहीं सीन में नहीं थे। 24 की हार के बाद यही नैरेटिव फिर से फ्लोट किया जा रहा है। इसके काउंटर में एक फैक्ट यह भी है कि 2019 और 2022 तक योगी ने ही जीत के इस मोमेंटम को मेंटेन किया और कोई चेहरा ये कर नहीं पाता। यूपी में 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव 27 में होंगे, उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। क्या उपचुनाव के नतीजे योगी पर कुछ असर डाल पाएंगे? क्या 2027 में 19 और 22 का फॉर्मूला चलेगा या फिर 2017 वाले नारे फिर से गूंजने लगेंगे? इस रिपोर्ट से आपका इसका अंदाजा लग जाएगा। 2027 में यूपी में किसका फॉर्मूला चलेगा, 17 वाला या 22 वाला? 2027 में यूपी में किसका चेहरा चलेगा, 17 वाला या 22 वाला? 2027 जिताने की होड़, बीजेपी में नया मोड़, लेकिन योगी का कोई नहीं तोड़। सवाल है कि 17 और 27 का फॉर्मूला वाली बात आई कहां से? 17 और 27 का जिक्र बीजेपी में उसी दिन से शुरू हो गया था जब 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आया। यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी और यहीं पर बीजेपी की उम्मीद टूट गई। जितना सोचा था उससे कहीं कम सीट आई। 2019 में कुल 80 में से 62 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार लुढ़क कर 33 पर आ गई। ये पार्टी के लिए एक अप्रत्याशित हार थी। इसी के बाद से बीजेपी के भीतर मंथन चिंतन शुरू हो गया और अपना अपना फॉर्मूला भी निकलने लगा। 17 और 22 का फॉर्मूला 2024 के रिजल्ट के बाद ही आया है, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य 17 वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा लहरा रहे हैं। दरअसल 2017 में यूपी का चुनाव किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और अमित शाह यूपी के चुनाव प्रभारी। बीजेपी में अपनी बात बताने के लिए बहुत सी बातें नेता खुलकर नहीं, इशारों इशारों में करते हैं। योगी के साथ तलवार खींचने की बात सामने आ चुकी है। कई मीटिंग में डिप्टी सीएम केशव मौर्य दिखाई नहीं दिए हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसी दिन जब केशव मौर्य ने ये कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है। केशव मौर्य जब संगठन की ताकत बताने लगे तो उससे एक इशारा योगी की तरफ था और दूसरा जब 2017 में वो यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने कैसे जीत दिलाई उस तरफ था। इसी के 3 दिन बाद 17 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य अपने एक्स अकाउंट पर 17 और 27 की बात करने लगे। 19 जुलाई को भी मौर्य ने एक्स पर कमेंट में अखिलेश के मानसून ऑफर वाले कमेंट का जवाब दिया, लेकिन 17 वाले फार्मूले की ताकत को भी बताने की पूरी कोशिश की। सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि यूपी बीजेपी न 19 का जिक्र कर रही थी न 22 का, सिर्फ 17 की बात कर रही थी। इसके बाद से 17 और 27 वाला फार्मूला बीजेपी के भीतर घूम रहा है। विपक्ष भी जाके कांवर लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए, जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवर जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा। सोमवार का बड़ा महत्व है और हजार दो हजार की संख्या में नहीं, लाख दो लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी 312 सीटें जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट 77.41% था। लेकिन उस वक्त का सियासी माहौल भी अलग था
और चुनौतियां भी अलग थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ने जाति समीकरण को बहुत अच्छे से सेट किया था। गैर जाटव, गैर यादव ओबीसी और ऊंची जातियों को बीजेपी के साथ लाने में कामयाब रही। बीएसपी और एसपी मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी रही और हिंदू वोट एकजुट हो गया। विपक्ष एकजुट नहीं था, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब अलग अलग थे। अखिलेश सरकार को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा भले नहीं था, लेकिन मोदी का चेहरा बहुत बड़ा था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का अलग माहौल बना दिया था। 2017 में सोशल मीडिया पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से आक्रामक थी। 2014 का विजय 5 साल के लिए नहीं है, आने वाले 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश पर रहने वाला है। और आज मैं महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा और शिवाजी महाराज और बाल गंगाधर तिलक की नगरी में कहकर जाता हूं, अभी 10 ही साल समाप्त हुआ है, 30 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश पर शासन करना। हमने हमारे आत्मविश्वास को जागरूक करने की जरूरत है, हमारे पुरुषार्थ को बल देने की जरूरत है और हमारे आपसी मतभेदों को समाप्त करने की जरूरत है। महान भारत की रचना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। 2017 के हालात अलग थे, अब हालात अलग हैं। अब इस वक्त 17 वाला फॉर्मूला काम करेगा, इसकी गारंटी केशव प्रसाद मौर्य भले ले लें, लेकिन अभी तक बीजेपी तो लेती नहीं दिख रही है। यूपी में तो बीजेपी के ट्रम्प कार्ड अभी तक योगी ही बने हुए हैं। अब इसके पीछे वजह भी है। ये बात सच है कि 2017 में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी योगी के दम पर ही 2014 वाली जीत को बीजेपी ने मेंटेन रखा। हाँ, वो बात अलग है कि सीट थोड़ी कम हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। 2019 में वो 62 पर आ गए, 9 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ ये भी सच है कि बीजेपी को यादव, मुस्लिम, दलित वाले अखिलेश, मायावती के मजबूत गठजोड़ के बावजूद बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य 17 वाला फार्मूला जीत का सबसे बड़ा फार्मूला बता रहे हैं, तो योगी भी तो कह सकते हैं कि 17 में उन्हें मौका मिला, सपा बसपा के मजबूत जोड़ के बाद भी 19 को उन्होंने अच्छे से डिलीवर किया। 2019 में यूपी में योगी ने अपने दम पर ही साइकिल और हाथी के ऊपर कमल खिलाया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। 2019 लोकसभा चुनाव में योगी ने यूपी में 137 जनसभाएं की थी। सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस की हवा निकाल कर रख दी। हिंदुत्व को विकास के साथ जोड़कर मोदी योगी के काम पर जनता ने भरोसा भी किया। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक ने राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ दिया। अली और बजरंग बली वाले बयान पर चुनाव आयोग ने योगी पर बैन किया, तो योगी मंदिर मंदिर दर्शन पर निकल गए, बड़ी ही चतुराई से जनता के बीच मैसेज देने का काम किया। योगी के लॉ एंड ऑर्डर दंगाइयों, माफियाओं पर एक्शन को लोगों ने सराहा और अपनी सहमति जताई। अब अगर 17 वाला फार्मूला दिखाया जाएगा तो योगी भी 19 वाला फार्मूला दिखा सकते हैं। 2022 में तो योगी मॉडल अपने चरम पर पहुंच गया। 5 साल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, जनता ने योगी मॉडल पर भरोसा किया। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीट मिली। 71 साल में पहली बार ऐसा हुआ, कोई फुल टर्म सीएम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। सच्चाई तो यह है कि आज भी योगी फैक्टर यूपी में बड़ा की फैक्टर है। बातें बहुत चली, योगी हटाए जाने वाले हैं, लेकिन योगी का सियासी कद यूपी में अब बहुत बड़ा हो चुका है। बीजेपी को भी पता है कि योगी को छेड़ना और भी घातक हो सकता है, इसीलिए आने वाले 10 विधानसभा सीट के उपचुनाव में योगी भी फुल अटैकिंग मोड पर काम कर रहे हैं और वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जो आने वाले चुनाव में बीजेपी पर असर करे। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में
जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है, और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। योगी 24 के रिजल्ट को भूलकर नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य 17 वाला ही राग अलाप रहे हैं। योगी ने आने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव का पूरा रोड मैप भी तैयार कर दिया है, और ये उपचुनाव योगी की सबसे कड़ी और बड़ी परीक्षा भी है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं, इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य।